महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल जोरों पर है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सियासत के लिहाज से आज बड़ा दिन है। दरअसल एनसीपी गुट की बैठक हो रही है, जहां एक ओर शरद पवार खेमे की बैठक है तो वहीं दूसरी ओर अजीत पवार भी अहम बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता अजीत पवार 2 जुलाई को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हुए थे और राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नहीं साहब, नहीं ऐसे नहीं कह सकते कि साहब हमारे साथ नहीं है। साहब हमारे साथ जरूर है, और आप मैंने अभी भी कहा कि अगर आपने देखा होगा फ्लेक्स भी, तो फ्लेक्स पे भी यही नाम है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसलिए पार्टी डिवाइड हुई नहीं है, बस बात यह है कि हम अजीत दादा के सपोर्ट में आए हैं और जो लोग दाएं जाएंगे वो साहब के सपोर्ट में जाएंगे। अजीत दादा ने जो निर्णय लिया है, कल उपमुख्य शपथ ली, आज पहली बार हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर भी जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारी, जो पदाधिकारी है उनके यहाँ पर एफिडेविट लेने का काम आज से शुरू हो रहा है, और आज ये शुरुआत है। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में जिला तालुका स्तर पे जाके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके पार्टी बढ़ाने का काम अजीत दादा के नेतृत्व में होगा। वो शायद 9 MLA जो उधर है, और बाकी तो पवार साहब को चाहने वाले सभी MLA रहेंगे, और निश्चित तौर से शरद चंद्र पवार साहब की ताकत कल भी कम नहीं थी, आज भी कम नहीं है, और कल ज्यादा बढ़ेगी, ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबका चाहने वाला एकमेव नेता है शरद चंद्र पवार। ये महाराष्ट्र की जनता को बताइए, हवा हवाई में बातें मत कीजिए, हर विधायक ये पवार साहब के साथ है, हर विधायक के मतदार संघ की जनता ये पवार साहब के साथ है। कॉन्ट्रैक्टर और जो ईडी की गैंग है, जो जिनको ईडी ने परेशान किया है, ईडी अभी ये महाराष्ट्र का जागृत देवस्थान हो गया है, जिसको एक बार उधर बुलाते हैं वो आने के बाद सीधा बीजेपी की तरफ जाता है, ऐसा ईडी का हमारे महाराष्ट्र में एक नया जागृत देवस्थान हुआ है। मुझे लगता है इस देश की सारी जनता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पवार साहब के साथ है और पवार साहब के साथ ही रहेगी। 55 साल से पवार साहब इस देश में एक आइडियोलॉजी लेके काम कर रहे हैं और लोग इस आइडियोलॉजी के साथ हैं। वो भी कह रहे हैं कि पवार साहब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, पर बकायदा बोलने के बावजूद एनसीपी को अलग कर दिया है। वो क्या कह रहे हैं उस पर मैं कमेंट नहीं करना।